अदीब अदीब का आदाब। ये साउथ किंगस्टन स्टेशन है और ये जो सामने टनल दिखाई दे रहा है, ये टनल अंडरग्राउंड है और नेचुरल साइंस हिस्ट्री म्यूजियम विक्टोरिया म्यूजियम की तरफ जा रहा है। ये सबवे तीनों मशहूर म्यूजियम की तरफ जा रही है, इस तरह टूरिस्ट का बहुत टाइम बच जाता है। आप एक दिन में तीनों म्यूजियम नहीं देख सकते, हर म्यूजियम में कम से कम हाफ डे लग ही जाता है। इस म्यूजियम की 1857 में ओपनिंग हुई, 5 फ्लोर हैं और यहाँ पर 30,000 से ज़ायद आइटम्स हैं। एंट्री फ्री है और टाइमिंग सुबह 10 से शाम 6 बजे तक के हैं। वीकेंड पर बहुत रश होता है, कोशिश करें कि वीकडेज में ही आएं। ये ब्रिटिश म्यूजियम की सबसे फेमस स्पेस गैलरी है। ये लूनर लॉन्डर का मॉड्यूल है जो अपोलो 2 के मिशन पर गई थी। इस साइंस ने चांद के सारे शहर ग्लैमर तोड़ दिए हैं। चंदा मामा और चांद पर एक बुढ़िया बैठी चरखा कात रही हैं। अब ये बातें नई जनरेशन को बतलाते हैं तो वो बहुत महजूज और इन्जॉय करती हैं। ये नीचे आप चांद की मिट्टी भी देख सकते हैं। एक मशहूर बात के नील आर्मस्ट्रांग जब 1969 में चांद पर गए तो वहाँ पर अजानों की बाजगश्त आ रही थी। ये मौजज़ा सुनकर इस काफिर को ईमान ले आना चाहिए था, मगर बदनसीब ईमान की दौलत से महरूम रहा और ये 25 अगस्त 2012 को इस दुनिया फानी से कूच कर गए। ये देखे चांद का टुकड़ा जो 1969 को चांद से लाया गया। ये पीछे जो आपको नज़र आ रही है, इस कायनात का सबसे खूबसूरत सैयारा अर्थ ज़मीन है। ये इसको अगर हम चांद से देखें तो ये हमको नीली दिखाई देगी। बाइबल में है कि ज़मीन चपटी तवे की मानिंद है, मगर मशहूर साइंटिस्ट गैलीलियो ने साबित किया कि ज़मीन गोल है जो हम देख सकते हैं। इस बात पर पादरियों ने गैलीलियो को सज़ा भी दी थी। स्टीफन हॉकिंग यूनिवर्सिटीज़ के शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में 1942 को पैदा हुए। इन्होंने यूनिवर्स के कई राजों से पर्दा उठाया अपनी स्पेशल चेयर पर बैठकर। हमारे खादिम हुसैन रिजवी ने भी व्हील चेयर पर बैठकर हमें बहुत आगाही दी है। जे होरी आया, जे अब्दाली, जे गजनवी आया। स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च के मुताबिक ब्लैक होल यूनिवर्स में घूमते ऐसे होल हैं जो सैयारों, वक्त और एनर्जी को निगल लेते हैं। इसमें से नए सैयारे भी बनते रहते हैं। इस थ्योरी को हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया है। साइंस किस्मत को तो नहीं मानती, मगर मानना पड़ता है कि स्टीफन हॉकिंग की किस्मत अच्छी थी कि वो इंग्लैंड में पैदा हुए। अगर पाकिस्तान में पैदा होते तो भीख मांग कर ही गुजारा करते।
हमारे अतराफ में सब सहूलतें साइंस ने ही दी हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी से साइंसी इजादात हटा दें तो हमारे पास सिर्फ मटका, चारपाई और लोटा ही बचेगा। ये जो आप ऊपर जहाज़ देख रहे हैं, मशहूर फिल्म कैसाब्लांका में इस्तेमाल हुआ था। '96 में स्कॉटिश लेबॉरेटरी यूके में दुनिया की फर्स्ट क्लोन शिप डोली बनाई गई, जो 6.5 साल तक जिंदा रही। डोली से 6 बच्चे हुए। बाद में डोली से 4 क्लोन और बनाए गए, जो 2016 तक बिल्कुल तंदुरुस्त थे। अभी का मालूम नहीं, क्योंकि ऐसी बातें सीक्रेट रखी जाती हैं। दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 8 बिलियन है। इसमें हर शख्स का डीएनए दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होता है। हर इंसान की आँखों, बालों, स्किन और दीगर खसूसियात, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स की तरतीब, ब्रेन और फिंगरप्रिंट्स वगैरह, इन सब का रिकॉर्ड एक सेल में होता है, जिसे डीएनए कोटिंग कहते हैं। 4,500 साल पहले फिरौन के डीएनए से मालूम हुआ कि वो क्या था और किस तरह इसकी मौत वाकई हुई थी। पेरेंट्स की तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ डीएनए से दूसरी नस्ल तक ट्रांसफ़र होती है, मगर बुरा हो डीएनए का, जब हमारे एक दोस्त सैयद मुराद अली शाह ने जब अपना डीएनए करवाया तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से जा मिला। सोच रहा हूँ अपना भी डीएनए करवाऊँ। अभी डिस्काउंट चल रहा है, 79 पाउंड्स का डीएनए टेस्ट है, वरना 200 पाउंड्स का टेस्ट होता है। इस तरह हमारे पुरखों का भी पता चल जाएगा। इस म्यूजियम में बहुत खूबसूरत साफ सुथरे रेस्टोरेंट्स भी हैं, मगर थोड़े महंगे हैं। अगर हम कुछ खा पी लें तो फिर एनर्जी आ जाती है, ताज़ा दम और फ्रेश हो जाते हैं। ये म्यूज़ियम के एग्जिट में सुवेनियर शॉप है, जो आपको हर टूरिस्ट अट्रैक्शन में मिलेगी। यहाँ से हम दोस्त अहबाब के लिए गिफ्ट परचेज़ कर सकते हैं, जो बहुत यादगार रहते हैं।